सूरज कंप्यूटर्स, आज हम आपको बता रहे हैं हमारे पास एक कैनन इमेज क्लास 242-243 DW प्रिंटर आया है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये पेपर पिक करने में प्रॉब्लम करता है, पेपर लाइट प्रिंट आउट आता है, और दूसरा इसमें प्रॉब्लम है कि ये पेपर मिसमैच भी मारता है, पेपर मिसमैच का एरर भी आता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या हो रखी थी, मैं आपको एक गाइड ज़रूर बता देता हूँ कि ये प्रिंटर में आपका क्या होता है, टाइम टाइम पे सर्विस करा लेनी चाहिए, 6 महीने 1 साल 1.5 साल बाद प्रिंटर की सर्विस होनी चाहिए। क्या होता है, प्रिंटर में यहाँ पे एक लेजर स्कैनर होता है, LSU यूनिट होती है, उस पर धूल मिट्टी की वजह से ये सब प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जब पेपर मिसमैच का होता है, पेपर लाइट प्रिंट आउट का होता है, ये सब इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। दूसरी जो पेपर फंसता है वो यहाँ पर फ्यूजर होता है, ये फ्यूजर में आपका ऑयलिंग वगैरह हो जाता है, उसकी वजह से ऑयल सूख जाता है, उसकी वजह से आपका पेपर फंसना शुरू हो जाता है। तो यही सब कुछ आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे कि हम प्रिंटर को कैसे खोलते हैं, कैसे करते हैं। अभी मैं आपको इसमें खोल के दिखाऊंगा, LSU यूनिट खोल के दिखाऊंगा कि उसमें क्या करना होता है। उसमें बीम होती है, बीम पे धूल मिट्टी हो जाती है जिस वजह से प्रिंट आउट लाइट आता है, पेपर पिकर पे धूल मिट्टी हो जाती है जिस वजह से पेपर पिक करना मिसमैच करना शुरू कर देता है प्रिंटर। वही मैं अब आपको दिखाता हूँ खोल के इसको प्रिंटर को। ये ऊपर का स्कैनर होता है इसका, इसको उतार लेते हैं। ये इसका स्कैनर है, हम अब इसको खोलते हैं। वो मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया है, स्कैनर पे जो बीम होती है उस पर धूल वगैरह हो जाती है जिस वजह से हमारा प्रिंट आउट लाइट स्कैन हो जाता है, मिसमैच हो जाता है, पेपर पिकर के में दिक्कत आती है, ये बहुत चीज़ें होती हैं प्रिंटर में। ये हमने इसका स्कैनर निकाल लिया है, आप देखोगे स्कैनर की हालत क्या हो रखी है, चूहों ने जो ये मोस्टली प्रिंटर पे प्रॉब्लम जो करता है चूहा करता है। ये प्रिंटर के आप हालात देखोगे कि कैसे हो रखा है, कैसे इस पर निशान हो रखे हैं।
तो इस वजह से हम बोलते हैं कि प्रिंटर की सर्विस आप 1 साल में 6 महीने 1.5 साल में एक सर्विस ज़रूर कराएं प्रिंटर की। बीम को यदि हम साफ करके लगाते हैं तो हमारे प्रिंट आउट पर जरूर फर्क पड़ता है। उसके बाद हम इसको साफ़ करके और इसमें स्कैनर जो स्कैनर की सेटिंग होती है कि आपको रेजुलेशन ये कितने डार्कनेस पे सेट करना होता है, इसमें आप ही आपको देखा होगा मैंने पेचकस से किसी उसको घुमाया था, इसमें एक सेंसर होता है उसको घुमाना होता है, उससे हमारे प्रिंटर स्कैनर की सेटिंग भी हो जाती है सेट कि हमें कितना डार्क करना है कितना लाइट करना है।
तो इस प्रकार ये हमारा प्रिंटर रेडी हो गया है। अब इसमें जो प्रॉब्लम थी वो स्कैनर की, मोस्टली हमने आपको बताया कैसे स्कैनर खोल के साफ करते हैं, कैसे उसमें होता है पूरे उसमें प्रिंटर में। ये कैनन का आपका इमेज क्लास 241 DW प्रिंटर हमने रेडी किया है। इसमें क्या हो रहा था, लाइट प्रिंट आउट आ रहा था, अब बिल्कुल फर्स्ट क्लास प्रिंट आ रहा है। पहले बहुत लाइट आ रहा था ये सब, अब ये बहुत अच्छा प्रिंट आ रहा है। पेपर मिसमैच का एरर आता था वो भी ख़त्म हो गया है। इस प्रकार आप देखोगे सूरज कंप्यूटर सारे प्रिंटर, कोई भी हो आपका, कैनन का कोई मॉडल हो, एचपी का कोई मॉडल हो, लेजर का, सैमसंग का हो, ब्रदर का कोई भी मॉडल हो आपका, सूरज कंप्यूटर सारे प्रिंटर रिपेयर का काम करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। हमारा वीडियो जो आपको कैसा लगा, किस तरह का आपको फ़ायदा करता है, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएँ। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।